हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही मेरे चश्मे बनाने वाले भैया पे। मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा क्यों होता है? देखिए कितनी गंदी सी लाइनिंग जाती है ना सब इस पर। और मैंने यहाँ पर देखिए सारे फ्लावर जो है धुले थे, वो मैं रख नहीं पाई, तो फिर मैं ऐसे ही यहाँ पर इन्वर्टर के पास ऐसे सजा दी। और ये मिला था गिफ्ट, कहते हैं ना गिफ्ट मिलने पे जो है बुराई नहीं करनी चाहिए। और ये मेरे बेटे जी का गिफ्ट मिला था। एक और यहाँ पे छोटा सा है, ये बताओ मेरा आज का गिफ्ट कहाँ है? और तुम्हारा गिफ्ट तुम जानोगी मैं जानूंगी? अरे दोगे तब तो मैं जानूँ। तो वो तो भैया से लोगे? तो ये दोनों साथ में आए थे। और मन करता है इसको हम तोड़ के गिरा दें। सच में बहुत, ये कैमरे में जितना छोटा सा दिख रहा है वो उससे भी छोटा ही है, बड़ा नहीं है। और बता रही हूँ, और यहाँ भी जो फ्लावर हमने धुला था वो सभी साइड में लगा दिया था, जगह नहीं पाई थी। तो सच में लेने के लिए इंसान कहता है कि ला और दा दो अक्षर होते ना। तो मैंने किसी से सुना था, किसी के मुंह से सुना था, ला मैंने पढ़ा, ला पढ़ा है, दा नहीं पढ़ा है। मतलब देना नहीं जानती हूँ, लेना जानती हूँ। तो ये जो गिफ्ट दिए थे कुछ मेरे जो मतलब कभी हुआ करते थे देवर के नाम से, वो दिए थे मेरे बेटे जी का बर्थडे से। तो जबकि मेरा बेटा बहुत छोटा सा था उस टाइम, ये बर्थडे गिफ्ट दिए थे। मतलब इसको क्या करेगा वो, ना खेल सकेगा ना कुछ करेगा। इसकी दोनों को मुंडी टूट गई है, मेरा मन कर रहा है कि इसको तोड़ के सच में फेंक दूँ। तो उस टाइम, और वो इतना दुष्ट है, मतलब कमीना कहो, दुष्ट कहो, नीच कहो तो भी कम है। उसको लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, देना नहीं। और लेने के नाम से ना अगर किसी का बर्थडे रहता था ना, तो सीधे सीधे यही कहते थे, ये मिला नहीं है, ये मिला नहीं है। मतलब लेने के नाम से उसको बहुत ही वो है, और देना नहीं चाहता है। और देना, उसके पास पैसा रहेगा तब तो देना। देने के नाम से वो आपको इससे जैसे चींटी का बराबर ऐसे देगा, और लेना इतना बड़ा पसंद करता है। तो जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो मैं जब बता रही थी ना कि ये देखिए ये लो, ये निकला हुआ है, तो हालांकि इसको पहनना नहीं है, और इसको भी इसी में साथ में ही रख दें। इसमें बकरन लगा देते हैं, बकरन लगाने के बाद ना ये जो है अच्छा हो जाता है। लेकिन जब इसको धुल इसकी धुलाई वाई करो ना तब के लिए, तब ये ना खराब हो जाता है बकरा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। और ये जो बुक वगैरह है जो पूजा की बुक थी वो मैंने उधर रख दिया है। सामान तो बहुत ज़्यादा है रखने का, लेकिन एप्पल ले जाऊँ फ्रिज में लगा दूँ? और सिल्ला बोले मम्मी ये वाला डोंगा निकाल दो, लेकिन बर्तन मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बस मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कि ये डोंगा मैं निकाल दूँ। मम्मी आई है पूजा में? अरे आज तो स्टार्टिंग से गई थी देखने। लास्ट वो कह रहे थे बहुत छोटी पूजा थी। नहीं छोटी नहीं कह रहे थे, जैसे जब वो फूटने फूटने लगे ना तो कहें कि एंडिंग हो गया, तो तब मुझे एक लगा कि ये मतलब हम सोचे कि और भी अभी कुछ होता होगा। इसमें बस एक ही पे नहीं, वो लोग एक दो गाना गाती है, उसके बाद अपना छठ का गाती हैं। तब इसमें छठ क्यों मना देती हैं? जो छठ का तो रहता नहीं है। छठ की स्टार्टिंग
कल से हो गई हूँ तो कल से कह रही हूँ ना कि कल से छठ की स्टार्टिंग है। तो छठ की स्टार्टिंग है तो फिर छठ का वो करना चाहिए, मतलब इसमें तो भाई दूज का करना चाहिए ना। तो भाई जैसे एक कोई होता नहीं है जिसमें जाते हैं बस वही है। तो इसमें हमको लगता है एक आता ही गाना है ही है ना, चार गाने पहले का होते हैं गाने आज मैं करी से श्रेया के जगह पे पूजा ना, तो फिर श्रेया के जगह पूजा करने के वही हमसे पूछ रही है कि मम्मी कैसा लगा पूजा। अब जो है चीज़ें निकाल निकाल निकालने में तो जल्दी जल्दी से लगा रहता है, जब चीज़ें निकाल लो फिर उसके बाद चीज़ें को रखना हाल भी बढ़ता है। तो मैंने आपको दिखाने मैंने आप मतलब अब की बार ना दीपावली में इसको लिया था और इसमें वाइट रंग का यहाँ पे बना हुआ है और ये येलो, तो मैं इसको रेड चाह रही थी, अगर रेड मिल गया होता तो ज़्यादा ही अच्छा लगता मुझे, तो मैंने मंदिर साइड में दोनों साइड में इसको लगाया है, अच्छा लग रहा था। और अब की बात मेरा रोली ये मेरा धूप बत्ती जो टूट गया और मैं अपने बाल से बहुत इरीटेट हो जाती हूँ यार, ये देखो ये दिख नहीं रहा ना, देखा मैंने बना रखा था जूड़ा और जूड़ा बना रखा था और इनको खुलने की क्या जरूरत थी। इसमें काजल वाजल बनाया जाता ना, तो काजल वाजल बनाई थी बनाए हम ही थे और फिर सीरियल के तुम्हें मैंने नहीं लगाया क्यों। अरे मैं बनाया मैंने तो लगाओगी चाहे बनो, ये पनवा मुझे वहीं चढ़ा देना चाहिए था ना। अरे पान नहीं लगता है फालतू में क्यों, तो सपाड़ी तो कह रहे थे कूटना होता है। हाँ तो कूटा, तो कहाँ कूटा, कहाँ कूटा, तो वो चना कहीं तो चना अंदर दिए थे फालतू में मंगा लेती हूँ। रितु तो रितु तो ज़्यादा सामान भी नहीं ले आई थी, बस वही दिया बत्ती मिठाई बस और माला भी वैसे ही मंगाई थी। तो श्रेया बना रही है यहाँ पे चुरमुरे, मेरा जो रोली था ना हाँ मेरे जैसे तो, तो फालतू में उनका दिए ले जाओ ले जाओ। मैं उनको देखी थी तो मैंने सोचा कैसे से लगता है, लेकिन पूजा करके मजा आएगी। कहे क्या मजा आ रहा, अब तो हाँ देखने में मजा नहीं होती। तो मैं आपके अपने मंदिर में दिखाती हूँ और मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब की बार स्टार्टिंग से देखी तो कैसा लगा। नहीं तो स्टार्टिंग से वही कोपो 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 जैसे समयम उसमें असामैया के पूजा में करते हैं, तो असामैया के पूजा में मतलब जैसे जैसे एक पूजा होता है ना तो पूजा में हम ध्यान लगाते हैं, तो इसमें बस वही कोपो 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 अपना अपना ग्रुप में बतियाते रहते हैं, फिर उसमें सिंदूर लगाया गौर में और फिर मैंने सोचा कि पूरे पूरे में गौर में सिंदूर लगाएंगे, तो फिर ये कि नहीं तो हम लोग जो बचा के रखते हैं वही तो ये काजल के लिए पूछ रही थी ना, तो ये काजल बनाए हैं और श्रेया हमसे बना बता बोल रही है कि मम्मी इसको बनाओगी, हम कह नहीं पिछले साल बनाए हैं अभी पड़ा है तो इसको क्या ही बनाना। तो हम लोग इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग का जो रहता है वही वो करते हैं, लास्ट में जो आता है वो टिकता है बीच में। नहीं तो आपकी बार भी हम लोग वैसे ही किए क्या तो मैं तुम्हें देख के क्या लगा था कि मैं सोची इतना गौर बना है तो तुम्हें गौर में कहाँ कौन पूरा टीके का देख रहे हैं, सब रंग दे रहे, कोई ज़्यादा रंग रहा है कोई कम रंग रहा है, तो
पांच सात टिकने रहते, उसके बाद फिर अगर कोई नहीं आता तो जितना मन चाहे उतना टिक दो अपने आगे का, मतलब पांच सात टिकना रहता है। तो हम चार पांच टिक दिए हम। तू कहा टिको है टीके तो मैंने अरे तो तुम्हारा तुम्हारे उसमें पूजा तो किए थे। हाँ तो मेरे पैर में अगर चोट ना लगी होती, मैं सीढ़ी से ना गिरी होती तो पूजा। हाँ तो उसी वजह से तो मुझे ही टिकना था ना। मैं नहीं खाती भाई, दो तीन चीजें ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सोचो अगर अब की बार मेरे पैर में चोट ना लगी होती तो तुम पूजा नहीं करती। तो मैं देखने भी नहीं जाती, मुझे बोरिंग सा लगता है। भगवान जी ने अब की बार तुमको मौका दिया, मुझे सीढ़ी से ही आ गया। अरे सब चीज़ों को सीखने के मौका तो होता ही है, सब सीखने का तो है, लेकिन घर गृहस्थी में इतना इंसान बिजी हो जाता है ना कि फिर क्या ही बताऊँ। देखिए इसमें मैंने दिया जलाया और ये वैसे होता तो पूरा सोड़क के वो कर लेता है, लेकिन बुझ बुझ जा रहा है बार बार। मैं सोच रही पूरा जल जाता, ये देखिए पूरा जल जाए तो इसको हम मांझ मूझ ले। और आपकी बात से इतना मतलब मेरा मन खराब हो गया था, मैंने इसको ऐसे में वो किया था। और मेरा अखंड ज्योति है और नवरात्रि में तो बहुत ही मन खराब हुआ इसको, लेकिन फिर लास्ट में श्रेया बनाई और तब जाकर हम इसको पूजा कर पाए थे। स्टार्टिंग बहुत मन खराब हुआ था तो पहले तो यहाँ पे कान्हा जी का मुरली हटा के रख दूँ। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं कौन सा काम कहाँ रखूँ कैसे रखूँ, ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब ज़्यादा काम हो जाते हैं और तो भारी हो जाता है। तो चलिए हम वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। क्योंकि सबसे पहले ना जो है बर्तन यहाँ से हटा के इसको जगह पर रख देना है। बर्तन जब जगह पहुँच जाएगा और बर्तन धुल जाएगा तो कुछ मुझे सुकून मिलेगा। तो मैं बाय करते करते फ्रिज में रख लूं।